हेलो नमस्कार। कक्षा 12 का सिलेबस हम कर रहे हैं जिसमें डे 175 में वे ऑप्टिक्स हमारी चल रही है। आगे के टॉपिक में बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत। नेक्स्ट टॉपिक है आ जाओ अध्यारोपण का सिद्धांत। इससे पहले हमने हाइगेंस का तरंग सिद्धांत पढ़ लिया था, अपवर्तन परावर्तन की व्याख्या पढ़ ली थी, समतल तरंगागर के बारे में पढ़ लिया था, ये कुछ बातें हमने कर ली थी। अब जो आगे की बातें हैं वो अध्यारोपण सिद्धांत पे डिपेंड करेगी, इसी के अनुसार हम सिंप्लीफाई करेंगे। है क्या बेसिकली तरंगों के लिए ये भी कि दो या दो से अधिक तरंगे अगर एक दूसरे पर अध्यारोपित होंगी आरोपित होंगी एक दूसरे पर तो परिणामी मान किस प्रकार से आएगा, यानी जो नई तरंग बनेगी वो किस प्रकार से होगी। तो उसके लिए सिद्धांत है कि यदि दो या दो से अधिक तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी तरंग का आयाम सभी तरंगों के आयामों के सदिश योग के बराबर होता है। ये इसका सिद्धांत है। और ये दो प्रकार के होते हैं तरंगे, इसके अंदर अध्यारोपण दो प्रकार का होता है, एक होता है संपोषी अध्यारोपण, दूसरा होता है विनाशी अध्यारोपण। दोनों की बातें हमारे काम आएंगी। अध्यारोपण का मतलब है एक दूसरे पर आरोपित होना, जिससे क्या होती है नई तरंग का निर्माण होता है। मिलकर दो या दो से ज़्यादा तरंगे जो है वो मिलकर नई तरंग का निर्माण करती हैं। वो नई तरंग किस प्रकार की होगी उसके लिए सिद्धांत है। सदिश योग का मतलब है कि क्या लिखा है, क्या बात कर रहे हैं हम, इनके आयामों के सदिश योग के बराबर होगा। सदिश योग का मतलब है कि अगर एक ही डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो इसका सिद्धांत लिख लें हम क्या है। इसके अनुसार जब दो या दो से अधिक तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी तरंग का आयाम उन तरंगों के आयामों के सदिश योग के बराबर होता है। आयाम की जगह हम विस्थापन भी लिख सकते हैं। 11th में हम पढ़ते हैं ये बातें। अधिकतम विस्थापन जो होता है उसी को आयाम कहते हैं, किसी भी तरंग का अधिकतम। अभी हम तरंगों को ड्रॉ करेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा विस्थापन और आयाम में क्या डिफरेंस है। तो यदि दो या दो से अधिक तरंगों का आयाम जो है वो मान लेते हैं y1 y2 y3 है तो परिणामी तरंग का आयाम जो विस्थापन की बात कर रहे हैं वो क्या होगा, y वेक्टर इज इक्वल टू y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर प्लस y3 वेक्टर प्लस जितनी भी हैं सबका क्या हो जाएगा, सबका हो जाएगा सदिश योग। ये है परिणामी तरंग का आयाम। इसको परिणामी तरंग का विस्थापन भी कह सकते हैं अगर हम विस्थापन के रूप में डिफाइन करें तो भी। अधिकतम जो विस्थापन होता है उसी को ही आयाम कहते हैं। अब हम बात करते हैं आगे की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अध्यारोपण कितने प्रकार का है और कैसे होता है। दो प्रकार का होता है अध्यारोपण, जिसमें से पहला है संपोषी अध्यारोपण। इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कह देते हैं। सुपरपोजिशन से ही हम बात करेंगे आगे इंटरफेरेंस की अगला टॉपिक, तो उसमें फिर ये बातें इंटरफेरेंस से लिखेंगे। व्यतिकरण कहते हैं उसे, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण की शर्तें। तो संपोषी अध्यारोपण क्या है, यदि दो तरंगे एक ही कला में अगर अध्यारोपित होती है तो परिणामी तरंग का विस्थापन उनके योग के बराबर होता है।
जब वो एक ही कला में समान कला में अध्यारोपित होती हैं। समान कला का मतलब क्या है? ये है, ये काम आने वाली चीज़ें भी, ये सारे ये काम आएगी जो हम बात कर रहे हैं कि एक तरंग ये है, दूसरी तरंग भी इस पर ऐसे ही अध्यारोपित हो रही है जिसको मैं डॉटेड से बना रहा हूँ, डॉटेड लाइन से। अब समान कला का कैसे पता चलेगा, ये ध्यान रखना, ये क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं इसके अंदर, कि यहाँ पर जो वैल्यू है इनका विस्थापन ज़ीरो है यहाँ पर, तो एंगल भी इनका ज़ीरो है, ठीक है, कला भी ज़ीरो है। यहाँ से बढ़ते बढ़ते यहाँ कला हो जाती है पाई बाई टू, 90 डिग्री। एक तरंग, ये हम एसी में भी पढ़ चुके हैं, प्रत्यावर्ती धारा में भी, एक तरंग 360 डिग्री में पूरी होती है, 2 पाई में कंप्लीट होती है, जिसे कैपिटल टी उसका आवर्तकाल कहते हैं। तो ये एक तरंग हो गया, आधा चक्कर ऊपर और आधा चक्कर नीचे, एक तरंग हो जाती है पूरी। तो हमने दो तरंगों को मान लिया, इसका विस्थापन वाई वन है, इसका विस्थापन वाई टू है, दोनों अलग अलग वैल्यू जा रही है इसकी, लेकिन दोनों एक साथ जा रही है, क्योंकि एक साथ ज़ीरो है, फिर 90 डिग्री पे दोनों एक साथ क्या हो जाती है, इस बिंदु पर देखें तो अधिकतम हो जाती हैं, फिर दोनों एक साथ कम हो रही हैं, और दोनों एक साथ ही ज़ीरो हो रही हैं, फिर एक साथ ही ज़ीरो हो रही हैं, फिर ऋणात्मक आ रही हैं, तो फिर ऋणात्मक में एक साथ अधिकतम हो रही हैं और फिर आगे बढ़ रही हैं, और फिर एक साथ वापस क्या हो रही है, ज़ीरो। तो अगर परिवर्तन बिल्कुल एग्जैक्ट सेम पोजिशन के अकॉर्डिंग चलता रहे तो उसे क्या कहते हैं, एक समान कला कहते हैं उसे, एक समान कला में। तो अगर एक समान कला में अध्यारोपित होती है अगर तरंगे, तो परिणामी तरंग का विस्थापन इनके सदिश योग के बराबर होता है, यानी ये कह सकते हैं कि इनके योग के बराबर होता है। सदिश योग का मतलब तो है यहाँ कि ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक साथ ज़ीरो है, एक साथ मैक्सिमम होती है, एक साथ फिर ज़ीरो होती है, फिर एक साथ ऋणात्मक होती है, फिर ज़ीरो होती है, इस तरह से इनका जो विस्थापन है वो आयाम है जो एक साथ चलता है, एक साथ ज़ीरो से अधिकतम होता है, न्यूनतम होता है, फिर वापस एक साथ ज़ीरो होता है, इसलिए इसको संपोषीय अध्यारोपण कहते हैं। और इस स्थिति में क्या होता है, विस्थापन इनके इस योग के बराबर होता है, यानी जो नई तरंग बनेगी उसका विस्थापन क्या होगा, इनके योग के बराबर। जैसे इसका विस्थापन मान लेते हैं कि इसका वाई वन है और इसका मान लेते हैं वाई टू है, और परिणामी तरंग जो बनने वाली है उसका विस्थापन मान लेते हैं कैपिटल वाई है, तो कैपिटल वाई जो है वो किसके इक्वल हो गए, वाई वन प्लस वाई टू, विस्थापन के योग के बराबर हो गए, और ये परिणामी तरंग बन गई। इस तरह से बनेगी परिणामी तरंग की नई जो तरंग है उसका विस्थापन, इसको मैं थोड़ा सा डार्क से बना रहा हूँ तो तीनों में अंतर पता चल जाए कि दो तरंगे जो हैं उनके विस्थापन जो व्यक्त किए गए हैं, एक लीनियर से है और एक डॉटेड से है। दूसरी के लिए बात कर रहे हैं तो जो परिणामी तरंग बन रही है इनसे वो क्या थोड़ी डार्क बना देंगे, तो इसका जो विस्थापन है वो कैपिटल वाई है। अब तीनों में क्या रिलेशन हो गया, वाई इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू, ये बातें सभी में कॉमन यूज होंगी, तो ये ध्यान रखिए यहाँ पर एंगल कितना होता है, पाई होता है, यहाँ पर कितना होता है, 3π/2 होता है, और यहाँ पर होता है 2π, 360 डिग्री। तो ये 0, 90, 180, 270 और 360 होता है, इस तरह से इसकी वैल्यू प्राप्त होती है। अब इसके अंदर एक बात और कि इसके अंदर अगर कालांतर पूछा जाए, कालांतर कितना है संपोषी अध्यारोपण में, तो कालांतर कितना है, यहाँ कालांतर है ज़ीरो, यहाँ कालांतर है 0 डिग्री। ये जो क्वेश्चन है ये महत्वपूर्ण है इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कि संपोषी अध्यारोपण में कालांतर कितना होता है, तो संपोषी अध्यारोपण में कालांतर कितना होता है, 0 होता है। समान क्यों होता है, क्योंकि समान कला में होती है। कैसे निकालते हैं कालांतर, कोई भी दो स्थितियाँ ले लो और वो किस किस बिंदु पर है उनका डिफरेंस ले लो कालांतर, कि इसका अधिकतम मान देख लो और इसका अधिकतम मान देख लो। इसका अधिकतम मान कहाँ पर मिल रहा है, 90 डिग्री पर। इसका अधिकतम मान भी कहाँ पर मिल रहा है, 90 डिग्री पर। तो 90 - 90 कितना हुआ, 0 हुआ। कालांतर 0 है तो इसका पथांतर भी क्या होता है, 0 होता है।
ये एक कॉमन बात है, ये कॉमन सामान्य बात है। इसके अंदर थोड़ा सा और आगे हम बात करेंगे, जब आगे डिटेल से बात करेंगे तो इनको थोड़ा अलग तरीके से भी लिखा जा सकते हैं। कैसे लिखा जा सकते हैं कि एक तरंग अगर यहाँ इस तरह से जा रही है और दूसरी तरंग, अब ये हमने तो केवल एक भाग लिया है तरंग का कि तरंग 2π में पूरी होती है, लेकिन ये तरंग क्या आगे बढ़ती रहती है, कंटिन्यू आगे इस तरह से चलती रहती है। अब कोई दूसरी तरंग अध्यारोपित हो रही है तो वो यहाँ से अध्यारोपित हो रही है, मान लो यहाँ से अध्यारोपित हो रही है, तो कालांतर तो आ गया ना उसके अंदर कि जब जब इसका मान कितना हो गया, 2π हो गया, तब तो ये वाली तरंग शुरू हुई है, एक तरंग, तब तो क्या हुआ है, एक तरंग शुरू हुई है, ठीक है। तो इस स्थिति में कालांतर कितना हो गया, ये कितना हो गया, यहाँ तक 2π हो गया ना, तो ये जो है 2π इससे आगे चल रही है, तो इसका मतलब इसमें कालांतर कितना है, 2π। एक तरंग 360 डिग्री में पूरी होती है, तो कालांतर 360 के हिसाब से भी आप ले सकते हैं। तो जैसे 0 है तो 0 में कितना जोड़ दो, 2π जोड़ दो, कितना हो गया 2π, 2π में और 2π जोड़ दो। ये ऐसे भी हो सकते हैं कि ये तरंग ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, ऐसे। अब एक चक्कर यहाँ हो गया, ये दूसरा यहाँ हो गया, यहाँ तक कितना हो गया 4π हो गया, क्योंकि यहाँ तक कितना था 2π। अब दूसरी कोई तरंग यहाँ से अध्यारोपित तो होना प्रारंभ हुई है, तो इसके लिए कालांतर कितना हो गया, ये 4π तो एडवांस चली रही है पहले से, ठीक है, यहाँ पर अध्यारोपण प्रारंभ हुआ है, इसका मतलब कालांतर कितना हो गया 4π। तो वैसे सामान्य, इसीलिए मैंने कहा था कि ये सामान्य एक वैल्यू ले रहे हम, लेकिन हर समय कोई ज़रूरी नहीं है यही हमें मिले। अगर ऑप्शन की बात आती है कहीं पर तो ऐसा ही मिल सकता है 0, 2π। सबसे महत्वपूर्ण बात है भी इसकी ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, 2π। अब 2π में 2π जोड़ दो, बस अब ये बात आई कहाँ से, ये पता रहे कि एक तरंग जो है वो कितने में पूरी होती है, 2π में पूरी होती है। तो अगर 2π का डिफरेंस हम ऐड करेंगे तो तरंग वापस उसी पॉइंट से शुरू हो जाएगी, 0 से वापस शुरू हो जाएगी, उसमें और 2π ऐड कर दें तो फिर वापस वहाँ से 0 से शुरू हो जाएगी, जैसा इसमें हमने लिया है कि 2π ऐड कर दिया ना, तो ये वापस 0 से शुरू हो रही है, वही स्थितियाँ आ रही है जो यहाँ थी, लेकिन फिर भी कालांतर है, कालांतर 0 नहीं है, कितना है 2π है, क्योंकि रिजल्ट सेम रहेंगे, जो 0 पे मान होगा वही 2π पे मान होता है, ठीक है, और वही 4π पे होता है, वही 6π पे होता है, किसी वैल्यू में अगर 2π ऐड कर दी जाए तो रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 0, 2π, 4π, 6π, 8π लिख सकते हैं ना। किससे गुणा हो रहा है ये, किससे गुणा हो रहा है ये, 2 से गुणा हो रहा है, ये 2π आ गया, फिर 2 से गुणा हो गया 4 आ गया, इसको 2 से गुणा हो गया, ठीक है, इस तरह से हो रहा है ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2nπ, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप अगर ध्यान रहे तो ध्यान रख सकते हैं आप इसे। ये इसको बोलते हैं इसका व्यापक पद, इसका व्यापक पद का मतलब है जो हर स्थिति में सत्य होगा, ठीक है। अगर आप वो कहें संपोष्य अध्यारोपण में कालांतर कितना होता है, तो किसी ने 0 लिख दिया तो भी नंबर मिल जाएगा, किसी ने 2π लिख दिया तो भी नंबर मिल जाएगा, किसी ने 2nπ लिख दिया तो भी नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो वैल्यू है इसका मतलब n का मान यहाँ कुछ भी हो सकते हैं, फ्रॉम 0 टू अनंत कुछ भी हो सकते हैं। देखो अगर n का मान 0 रखेंगे तो 0 से गुणा हो गया, क्या हो गया, 0 आ गया ना पहला पद। जब n का मान 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2π, 2 रखेंगे तो 2 गुणा 2 कितना हो गया 4 π, 3 रखेंगे 3 गुणा 2 6 π, 4 रखेंगे 4 गुणा 2 8 π, इस तरह से वैल्यू। तो ये इसका व्यापक पद है, आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर आपको कह दें n के पदों में कालांतर का मान लिखिए, तो n के पदों में कालांतर होगा कितना, 2nπ, क्लियर आ गया ना समझ में। इसी तरह से अब बात करते हैं पथांतर की, पथांतर जैसे वर्ड लिखा हुआ पथांतर, पथ का अंतर, अगर पथ के रूप में, दूरी के रूप में लें अगर बात, तो उसको कहते हैं पथांतर। और दूरी के रूप में इसको कैसे व्यक्त करते हैं, यहाँ से एक तरंग की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या कहते हैं, पथांतर कहते हैं, पथ का अंतर। और इसको किससे लिखते हैं, लैम्डा से, किसे, लैम्डा से। तो अगर दोनों यहीं से शुरू हो रही है तो इनके बीच में पथ का अंतर है ही नहीं, तो कितना होगा, 0 होगा, क्लियर समझ में आ रही ना, 0 होगा। दूसरा अगर इसकी बात करें तो एक वेव आगे निकल चुकी है, एक वेव आगे निकल चुकी है,
तो कितना डिफरेंस आ गया, लैम्डा के बाद यहां से शुरू हो रही है दूसरी तरंग, तो कितना अंतर आ गया लैम्डा, कितना लैम्डा। अगर मान लो या इसमें बात करें, जैसे एक तो ये हो गया, दूसरी ये हो गया, अब यहां से तरंग शुरू हो रही है, यहां से शुरू हो रही है तरंग, तो कितना हो गया लैम्डा और एक लैम्डा, ये कितने लैम्डा, दो लैम्डा, टू लैम्डा हो गए। अब यहां से तरंग शुरू हो रही है तो दोनों में फिर पथांतर कितना आ गया, टू लैम्डा। आगे ना समझ में, कालांतर में अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो टू पाई का डिफरेंस ले सकते हैं, पथांतर में टू पाई ही लैम्डा के बराबर होता है, समझ में आ गई, टू पाई ही किसके बराबर होता है। कंपैरिजन करें तो कालांतर टू पाई और पथांतर लैम्डा, हम कालांतर और पथांतर में एक संबंध भी लिखेंगे, वो भी महत्वपूर्ण है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें जो इस टॉपिक में हम कर रहे हैं, परिभाषा नहीं पूछी जाएगी आपसे, संपोष्टीय अध्यारोपण क्या होता है, विनाशीय अध्यारोपण क्या होता है, पता है एक समान कला में अध्यारोपित होती है तो संपोष्टीय होता है, विपरीत कला में होती है तो विनाशीय होता है, सिंपल सी बात है, याद भी रह जाती है कि एक समान कला में जुड़ गई, विपरीत कला में अगला डायग्राम बनाएंगे तो घटा देंगे y1 - y2, ठीक है, जुड़ा है तो इसका आयाम ज़्यादा हो गया, घटेगा तो आयाम कम हो जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में वो यहाँ से पूछे जाते हैं भी, इसलिए ये बात आप जरूर महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लें। तो इसको आगे क्या लिख सकते हैं, कितना, 3 लैम्डा, इसको क्या लिख सकते हैं 4 लैम्डा लिख सकते हैं ना, और इसको क्या लिख सकते हैं एन लैम्डा, क्या लिख सकते हैं, एन का मान देखो 0 रखेंगे तो 0 आ गया, 1 रखेंगे तो लैम्डा, 2 रखेंगे तो 2 लैम्डा, 3। व्यापक पद का मतलब होता है कि आप इसमें कोई भी वैल्यू रखो उनमें से कोई ना कोई मान हमें मिलेगा, और कंटिन्यू शुरू से रखते जाओगे तो शुरू से जो सीरीज आपने बनाई है वही सीरीज चलती रहेगी। तो ये दोनों बातें आप जरूर लिख लें कि कालांतर और पथांतर कितना होता है और कैसे निकालते हैं, वो भी हमें पता रहे यहाँ कैसे निकालते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी बात लेते हैं विनाशी व्यतिकरण की, विनाशी सॉरी अध्यारोपण, व्यतिकरण पे पहुँचेंगे अभी हम, दूसरी बात लेते हैं विनाशी व्यतिकरण सॉरी अध्यारोपण, विनाशी अध्यारोपण इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव, सुपरपोजिशन। तो परिभाषा तो सिंपल है, ज़्यादा टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं है। जब दो तरंगें विपरीत कला में अध्यारोपित होती हैं, इसमें क्या लिखना है, जब दो तरंगें समान कला में अध्यारोपित होती है तो परिणामी तरंग उनके योग के बराबर होती है। इसमें क्या लिखना है, जब दो तरंगें विपरीत कला में अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी तरंग का विस्थापन उनके अंतर के बराबर होता है, ठीक है। इसमें जब तरंगे विपरीत कला में अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी तरंग का विस्थापन उनके विस्थापन के अंतर के बराबर होता है, तो अब क्या करेंगे, इन डायग्राम्स को दोबारा बनाते हैं। कैसे लें, एक तो ये कोई तरंग है, एक ये तरंग है, इसका जो विस्थापन है वो मान लेते हैं क्या है, y1 है, और एक तरंग दूसरी ये बना लेते हैं कि इसका जो विस्थापन है वो कितना है, y2 है। अब यहां से परिणामी तरंग कैसे बनेगी, देखो ये वही पाई बाई टू, ये पाई, ये
पाई बाय टू और ये 2 पाई। लैम्डा के रूप में भी लिख सकते हैं इनको, ये ज़रूरत रहेगी भी लिखना, ध्यान रखना। वैसे हम पहले लिख चुके हैं ये प्रत्यावर्ती धारा में कि पूरी तरंग की जो लंबाई होती है उसको तरंग लंबाई कहते हैं, लैम्डा। ये तो है लैम्डा। अब आधी तरंग है तो आधी तरंग की लंबाई आधी हो गई, कितना हो गया, यानी जहाँ कालांतर पाई है वहाँ पथांतर कितना होगा। इन दोनों में रिलेशन, हमें एक रिलेशन लिखेंगे हम, वैसे आप थोड़ा सा समझ लें तो वैसे भी पता चल जाएगा रिलेशन दिख रहा है क्या है, दिख रहा है ना। 2 पाई जो है वो किसके बराबर है, लैम्डा के। पाई की बात करेंगे तो क्या हो गया, लैम्डा बाय 2। यहाँ तक बात करेंगे तो तरंग का चौथा भाग हो गया, पूरी तरंग कितनी है, लैम्डा, चौथा भाग हो गया ना, तो इसको क्या लिखेंगे, लैम्डा बाय 4। ये बात करें तो इसका 3/4 भाग है, 3/4 भाग हो गया ना, 1/4 आधा, फिर 3/4 फिर पूरा, तो ये कितना हो गया, 3/4 लैम्डा, ऐसे लिख सकते हैं। तो लैम्डा के रूप में अलग तरीके से लिखा जाता है, कोण के रूप में अलग तरीके से लिखा जाता है। हमें जो फॉर्म अगर कालांतर का आ गया है तो कोण के रूप में पूछा गया है, पथांतर का आ गया है, पथ का मतलब रास्ता, रास्ता मतलब दूरी, दूरी का मतलब तरंग लंबाई, तो लंबाई के रूप में लैम्डा के रूप में पूछा गया है। क्लियर, ये बात हमें ध्यान रखनी है इसके अंदर। अब बात करते हैं कि इनका रिजल्ट क्या आएगा। अब देखो ये और इसके बीच में कोण कितना है, पहले तो वो ध्यान रखें, वो ध्यान रखें कितना है भी। इसका जीरो कहाँ पर है, इस तरंग का जीरो कहाँ है, 0 डिग्री पर, ठीक है। इसका यहाँ, यहाँ पर इसका मान भी 0 है, लेकिन जब अधिकतम मान देखें, परिवर्तन देखना है, तो सेम स्थिति में अंतर देखना पड़ेगा हमें, सेम स्थिति में। जैसे इसकी स्थिति तो अधिकतम ये होती है, ये जो नीचे का भाग होता है वो ऋणात्मक अधिकतम होता है, या कह सकते हैं न्यूनतम होता है, माइनस में अधिकतम या न्यूनतम। तो इसका तो अधिकतम ये है, मैक्सिमम कितने पर है, 90 डिग्री पर। इसका अधिकतम जिस समय ये अधिकतम उस समय ये न्यूनतम है, देखो जब ये यहाँ पहुँच जाएगी, अब इसका अधिकतम हुआ है, और इसका अधिकतम कितने पर है, ये कितना है, 270 डिग्री, ये कितना है, 90 डिग्री, 90 है ना, 90 180, 270 360, तो 270 में से 90 घटा देंगे, कितने बचे हैं, 180। तो इनका डिफरेंस कितना आ गया, इनका डिफरेंस आ गया 180 डिग्री। ये हम पहली स्टेज अगर ध्यान रख लेंगे, जैसे पहली स्टेज इसमें 0 थी, इसमें पहली स्टेज कितनी मिल रही है, पाई। अब 2 पाई के बाद तो वही स्थिति आती है, सेम स्थिति आती है, तो 2 पाई इसमें जोड़ दो, पाई में 2 पाई जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 पाई, 3 पाई में 2 पाई जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 पाई, 5 पाई में 2 पाई जोड़ेंगे, 7 पाई, 7 पाई में 2 पाई जोड़ेंगे, 9 पाई। तो ये जो डिजिट आई है जिसमें सम संख्या में, इसमें वो कैसी आएगी, विषम संख्या में आ जाएगी, 3 5 7 9 इस तरह से, वो इसका कालांतर होगा। अब दोनों विपरीत दिशा में है तो जिसका आयाम ज़्यादा है, जिसका विस्थापन ज़्यादा है, उसमें से कम घटा देंगे, बाकी बच जाएगा, ठीक है। तो परिणामी तरंग, इसका विस्थापन हमने इधर ज़्यादा लिया, इधर कम लिए, अगर दोनों का समान होगा तो अंतर 0 आ जाएगा। वो भी कोई ये कहे भाई दोनों को समान भी हो सकता, समान भी होगा तो परिणामी मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसका ज़्यादा है, इसका कम है, तो क्या करें, ज़्यादा में से कम घटा दें और ये बच गया परिणामी मान। ये जो तरंग बच रही है ये कैसी है, ये इन दोनों तरंगों से मिलकर बनने वाली नई तरंग है, जिसको परिणामी तरंग कहते हैं। ये परिणामी तरंग है और इसका जो विस्थापन है वो है कैपिटल वाई, और कैपिटल वाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, y1 - y2, ये लिख सकते हैं। तो ये तो आगे डेफिनेशन, ठीक है, जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है इसका, अब इसके कालांतर और पथांतर की बात कर रहे हैं, क्या है कालांतर, और अब इसका कालांतर देखें कि इनमें अंतर कितना है, कालांतर कितना है, दोनों तरंगों में अंतर कितना है, कितना है, कितना है, पाई, पाई, पाई लिख दो या 180 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पाई। अब एक तरंग कितने में पूरी होती है, 2 पाई में, इसीलिए इसलिए परिवर्तन कितने बाद सेम हो जाएगा, 2 पाई के बाद सेम हो जाएगा, वही सिचुएशन फिर आ जाएगी आफ्टर 2 पाई। तो पाई में 2 पाई ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 पाई। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ, अब यहाँ लास्ट में जो हमने व्यापक पद लिखा था उसका भी लिख लेते हैं, वो क्या होगा,
वो होगा 2n प्लस 1 इंटू पाई। व्यापक पद ऐसा होना चाहिए जो हर स्थिति में रिजल्ट हमें एक्चुअल दे। जैसे n का मान 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो 0 को 2 से गुणा किया 0 हो गया ना, क्या बचा ब्रैकेट में 1 बचा, 1 को पाई से गुणा करें क्या आया पाई, क्या आ गया पाई। 1 रखेंगे n की जगह तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 गुणा पाई, कितना 3 पाई। 2 रखेंगे 2 गुणा 2 कितना हो गया 4, 4 में 1 जोड़े 5 के आगे लगाए पाई, तो कितना हो गया आ रहा है ना सेम वैल्यूज। इसका मतलब इसका जो व्यापक पद है वो क्या लिखा जा सकते हैं 2n प्लस 1 पाई। ये महत्वपूर्ण बात है, ये ध्यान, सबसे महत्वपूर्ण बात है यही है इसके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। फिर बात आती है पथांतर की, क्या पथांतर, पथांतर कैसे लिखे इसका। पथांतर आपको ये देखना है कि पाई जो है वो किसके बराबर है लैम्डा के रूप में। पाई कितना है 180 है ना, 180 में तरंग कितनी बनती है आधी बन जाती है, आधी आधी बन जाती है, और आधी तरंग में पथांतर कितना होता है लैम्डा बाय 2। एक रिलेशन भी है वो भी हम लिखेंगे अभी लेकिन आप ऐसे ध्यान रख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। आप वेव बढ़ाएंगे और तुरंत उसका पथांतर कालांतर जो भी चाहिए बता सकते हैं संपोषी विनाशी के लिए। कितना आ गया लैम्डा बाय 2। अब देखो 2 पाई के बाद में फिर वही स्थिति आती है 2 पाई के बाद में, और 2 पाई में पथांतर कितना होता है, 2 पाई में पथांतर कितना होता है एक तरंग के लिए कितना है लैम्डा, तो इसमें क्या जोड़ दें लैम्डा जोड़ दें। तो लैम्डा बाय 2 में जोड़ दो लैम्डा, कितना आया 2 लघुत्तम आ गया, लैम्डा प्लस 2 लैम्डा कितना हो गया 3/2 लैम्डा। तो आधा लैम्डा, सीधा देखो सीधा तरीका है, लैम्डा बाय 2 है ना, 2 का भाग दे दिया आधा हो गया ना आधा लैम्डा, आधा में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा डेढ़, डेढ़ में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा ढाई, ढाई में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा साढ़े तीन। लेकिन लिखना नहीं है 1.5, 2.5, 3.5, इसको इसी वे में लिखा जाता है, लिखने का तरीका ये है। तो इसको क्या लिखेंगे 3/2 इंटू लैम्डा, इसको लिखेंगे 5/2 इंटू लैम्डा, 7/2 इंटू लैम्डा, इसी तरह से एनवा पद हम इसे लिख सकते हैं। तो एनवा पद क्या लिख देंगे इसे एनवा पद 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाय 2। अब देखो 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो ये तो n से गुणा होके 2 का मान 2 गुणा 0 0 हो जाएगा, क्या बचा ब्रैकेट में 1, 1 इंटू लैम्डा बाय 2 कितना आया लैम्डा बाय 2। यहाँ रखेंगे 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 1 3, 3 इंटू लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा बाय 2, और यहाँ रखेंगे 2, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 लैम्डा बाय 2। तो ये इनके व्यापक मान है। अगर ज़रूरत पड़े यूँ कह दिया जाए बाय चांस क्वेश्चन में कि n के पदों में कालांतर बताइए संपोषी अध्यारोपण के लिए, विनाशी अध्यारोपण के लिए, या हम आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे व्यतिकरण, बड़ा क्वेश्चन जिसमें से पूछ लिया जाता है, वहाँ पर ये सारी बातें हम ऐसी कैसी यूज़ करने वाले हैं। इसलिए संपोषी अध्यारोपण की जगह संपोषी व्यतिकरण, विनाशी अध्यारोपण की जगह विनाशी व्यतिकरण में भी अगर ये स्थितियाँ पूछ लें कि कालांतर और पथांतर लिखिए तो ये आप ध्यान रहें लिख सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट पूछा गया पथांतर कितना होता है तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो लैम्डा बाय 2 होता है, वो भी सही है, या कह दे एन के पदों में, और नहीं कहा गया एन के पदों में फिर भी आप ये लिखते हो तो ज़्यादा अच्छा है 2n+1 इंटू लैम्डा बाय 2। ठीक है, जहाँ एन का मान 0, 1, 2, 3 सभी में एन का मान क्या है, एन का मान है 0, 1, 2, 3 इस तरह से अनंत तक कुछ भी हो सकता है। तो ये आप नोट कर लें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। आज जो हमने टॉपिक किया है ये इम्पोर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, ये बात आप ध्यान रखिए। शॉर्ट क्वेश्चन देख लो, यहाँ से कितने बनते हैं पथांतर कालांतर, और एक इक्वेशन है जो कालांतर और पथांतर में संबंध को व्यक्त करती है। कालांतर बराबर होता है 2π/λ इंटू पथांतर, ये आप ध्यान रखिए भाई। ये समीकरण जितनी हमने अभी मेहनत की है इतनी वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर ये इक्वेशन याद होती है तो। क्या है
ये क्वेश्चन भी आ चुके हैं, पूछ लेते हैं। कालांतर व पथांतर में संबंध लिखिए। जो भी हमने किया है ये सब शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, सब इंपॉर्टेंट बातें भी। और संबंध क्या होता है, कालांतर बराबर 2π/λ इंटू पथांतर। जैसे अगर कह दे कि पथांतर लैम्डा है, कालांतर ज्ञात कीजिए, क्या है पथांतर लैम्डा है कालांतर ज्ञात कीजिए, तो अब अगर तुम वेव बना के करोगे तो भी हम रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे मेंटली, हम उसको समझ गए। ठीक है, अगर किसी को याद ही है कि 180λ/2 के बराबर होता है, 360λ/2 के बराबर होता है, तो कंपेरिजन करके भी निकाल सकते हो। वरना ये सबसे अच्छा तरीका और रहता है कि इनमें रिलेशन क्या है, कालांतर इज इक्वल टू 2π/λ इंटू पथांतर। अगर आपको पथांतर दे दिया, कालांतर पूछा है, तो यहाँ रख दो सॉल्व। जैसे आपको कह दिया जाए, क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, कह दिया जाए कि यदि दो तरंगों में पथांतर 2λ है तो कालांतर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन, यदि कालांतर 2π है तो पथांतर लिखिए। कुछ भी दे सकते हैं, 3π, 5π, 2π, 4π, कुछ भी दे दें। एक क्वेश्चन कर लेंगे तो सारे कर लेंगे, यहाँ वैल्यू तो चेंज होगी। तो यहाँ से आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि कालांतर जो है वो किसके बराबर होता है, 2π/λ गुणा पथांतर। हमें कालांतर निकालना है, इसको फाई से लिखते हैं, भी कालांतर को फाई से लिखते हैं, फाई इज इक्वल टू, इसको डेल्टा से लिखते हैं पथांतर को। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि फाई इज इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा, ऐसे भी लिख देते हैं। तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, 2π/λ और पथांतर कितना दे रखे हैं, 2π/λ इंटू पथांतर दे रखे हैं 2λ, तो लेमडा से लेमडा कट गया, फाई का मान कितना हो गया, कितना 4π। क्लियर, इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में देखो क्या दे रखे हैं, कालांतर पाई है तो पथांतर ज्ञात करो। तो कालांतर और पथांतर में संबंध है, तो इस समीकरण को पथांतर के बराबर भी तो लिख सकते हैं ना, 2π को इधर ले आओ, लैम्डा को इधर ले आओ, तो लैम्डा इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 2π डिवाइड में चला जाएगा। तो उसी इक्वेशन से क्या बन जाएगी, पथांतर की समीकरण, पथांतर इज इक्वल टू आ जाएगा λ/2π इंटू कालांतर, ये आ जाएगा λ/2π इंटू कालांतर। तो यहाँ से हमें पथांतर निकालना है डेल्टा, λ/2π ऐसा कैसे लिखो, कालांतर क्या दिया गया है, पाई, पाई से पाई कट गया, कितना आ गया λ/2। और वैसे हमें पता है पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री क्या है, पूरी तरंग का आधा भाग है, आधा भाग है तो आधी तरंग है, आधी तरंग है तो आधी तरंग लंबाई है, और पूरी तरंग लंबाई होती है लैम्डा, उसके आधी कर दो तो λ/2। ठीक है, लेकिन ये अगर हमें पता है तो इतना सोचने की, दिमाग लाने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट वैल्यू रखो और निकाल लो। अगर मान लो ये तो सिंपल बात है, अगर 5π दे दिया तो अपने सोचने बैठ जाएंगे, 7π दे दिया, 9π दे दिया, 8π दे दिया, तो उससे बेटर क्या है, ये फॉर्मूला ध्यान रखो और इसके अकॉर्डिंग आप सोल्व कर सकते हो और निकाल सकते हो। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसको लिख लें।